अच्छा कहाँ कहाँ मैच होने वाला है? अब पता नहीं। पता नहीं है किसके लिए लाइन में लगी हो? कौन कौन टीम के मैच होता है? हम नहीं जाना। नहीं जाना चाची? तो कौन लाइन में लगवी ले हो? हम अपने बलाई करत बड़ी का टिकटवा लेके बला है। कहाँ से कहाँ की रहने वाली है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से मैच देखने आ रही है। अभी मैं रांची के JCA इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के बाहर खड़ा हूँ और आप देख लीजिए बहुत सारा टिकट प्राइस का बोर्ड लगा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 27 जनवरी को भारत बनाम न्यूजीलैंड के बीच में T20 मैच होने वाला है शाम को 7 बजे से 24 जनवरी। और आज से जो है ऑफलाइन टिकट बिकने लगा है। तो इधर देखिए फिजिकल चैलेंज्ड और लेडीज़ के लिए स्पेशल काउंटर बनाया गया है और उधर देख लीजिए जेंट्स के लिए 4-5 काउंटर बनाया गया है। जेंट्स वालों में बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, मतलब 4-5 हज़ार लोग लाइन में लगे हुए हैं। और इधर भी देख लीजिए लेडीज़ और फिजिकल चैलेंज वाले लाइन में भी बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। कुछ लोग से बात करते हैं, क्या नाम हुआ बच्चा? रागिनी। रागिनी, अच्छा कहाँ कहाँ मैच होने वाला है? अब पता नहीं। पता नहीं है किसके लिए लाइन में लगी हो? अपने लिए। अपने लिए? तो एक ओवर में कई गो गेंदा होता है? पता नहीं। पता नहीं है कौन कौन खेलेगा ये हो पता नहीं है, तो फिर किसके लिए आई हो? तो चाची जोहार। रुपया मांगा तारी। जोहार चाची जोहार। कौन कौन टीम के मैच होता है? हम नहीं जाना। नहीं जाना चाची? तो कौन लाइन में लगवी ले हो? हम अपने बलाई करत बड़ी का टिकटवा लेके बला है। हाँ, कितना का मैच बड़े? 10,000 का मैच। अरे वाह, 10,000। ठीक है, हो कमा लो सीजन हो ये। तो आप भी ब्लैक में मैडम आए? बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि किन के बीच में मैच होने वाला है। सुनिएगा मैडम, ये आप कब से लाइन है? आप कब से लाइन में लगी है? 11 बजे से। अभी तक आपका नंबर नहीं आया? नहीं। तो 11 बजे से लाइन में लगी हुई है तो ज्यादा लोग भी नहीं है, फिर इतना समय क्यों लग रहा है? सर्विस एकदम लूज है ना? हाँ, एकदम लूज सर्विस है। उधर भी कह रहे हैं कि सर्विस अच्छा नहीं है ना? हाँ। तो अच्छा, इससे पहले मैच हुआ था वनडे मैच, उसमें भी देखने आई थी क्या? नहीं। तो ये T20 है। लाइव मैच देखूंगी। कहाँ से कहाँ की रहने वाली है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से मैच देखने आ रही है? नहीं। अच्छा, बूटी मोड़ में रहती हूँ, पापा आर्मी में। अच्छा, पापा आर्मी में है। हाँ। अच्छा ठीक है, तो ये इनको पता है। और कुछ लोगों से जरा बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नहीं बोलेंगी, चलिए नहीं बोलेंगी। क्या नाम है आपका? मानसी कुमारी। मानसी, कब से लाइन में लगी है? 9 बजे से लगी है। तो 9 बजे से लगी है, इतना नजदीक होने के बाद भी नंबर नहीं आया है? यहाँ पर ही। अच्छा, वहाँ से अभी तक यहाँ पर पहुँची? हाँ। है तो लगता है कि नंबर आ जाएगा आपका। हाँ। सबसे फेवरेट प्लेयर कौन है आपके? हम अपने लिए क्रिकेट देखने नहीं आए हैं। किनके लिए लेना है? हम अपने भाई के लिए लेना है। अच्छा, अपने भाई के लिए टिकट लेना है, आप लाइन में लगे हुए हैं है ना? इसे अपने भाई के लिए एकदम लाइन में लगी हुई है। आप किनके लिए? अपने भाई के लिए। अपने भाई के लिए। तो यहाँ पर जो है ज़्यादातर जो लाइन में लगी हुई है महिलाएं, उनको जो है यही पता नहीं है कि किन किन टीमों के बीच में मैच होने वाला है, लेकिन लाइन में लगी हुई है। कोई बात नहीं भाई, सबको अपनी आज़ादी है लाइन में लगने की, टिकट लेने की, टिकट बेचने की। जिसको लाइन में लगना है लगिए, जिसको टिकट बेचना है बेचिए, हमें कोई लेना देना नहीं है। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ है और ख़ास करके वो जो जो जेंट्स वाला जो सेक्शन है, जो मेन्स सेक्शन है, उधर बहुत ज़्यादा भीड़ है, मतलब बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। और ये दर्शाता है कि भारत सरकार क्रिकेट को किस तरीके से प्रमोट करती है, इसीलिए जो है पगलाया हुआ है लोग हमारे देश में क्रिकेट के प्रति। बगल में हो रहा है हॉकी वर्ल्ड कप, वहाँ पर कोई नहीं देखने जा रहा है, जबकि टिकट का दाम मात्र 100 रुपीज़ है, 100 रुपया है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पर टिकट का दाम मिनिमम 900 रुपया है, लेकिन हमको लगता है कि इसका टिकट भी सेल हो गया होगा। तो ये दुर्भाग्य है हमारे देश के लिए कि एक खेल को इतना ज़्यादा इज्जत मिल रहा है, इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है। और क्रिकेट हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया है, खो खो हो गया, तीरंदाज प्लेयर हमारे झारखंड में इतना है, चाय बेचने पर भी बस है, वही चाय बेचता है सब इधर। ये समस्या है, इस समस्या को भारत सरकार को और राज्य सरकार को मिलकर सुलझाना चाहिए कि एक के प्रति इतना ज़्यादा प्यार और दूसरे के प्रति एकदम नाकामी, ये शोभा नहीं देता। कैसा लगा रिपोर्ट ज़रा कमेंट करके बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।